आप सभी को मेरा नमस्कार। हम यहाँ पर सारे पार्टी के नेता जो खड़े हैं, आपको हाउस में चंद बातें जो घटी और हम सभी लोग मिलके जो इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल को लेकर लड़ रहे थे, हमारा मकसद एक ही था, जो इंश्योरेंस बिल लाया गया है उसमें बहुत से खामियां हैं, तो इसीलिए हम ये चाहते थे कि इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजना चाहिए, क्योंकि बिल में, मैं आपको जरा पढ़ के बताता हूँ, क्योंकि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं और बीजेपी की सरकार के जो स्पोक्स पर्सन्स हैं, नुमाइंदे हैं, वो बाहर अलग ढंग से प्रचार करते हैं और हाउस के अंदर भी गुमराह करने की बात फाइनेंस मिनिस्टर ने की। दो सेंटेंस आपके सामने पढ़ के मैं बताता हूँ। ये है स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन। इसमें अकॉर्डिंगली द इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021 अमेंडिंग द इंश्योरेंस एक्ट 1938 सीक्स इंटर एलिया टू प्रोवाइड फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ सब क्लॉज बी इन द डेफिनेशन ऑफ इंडियन इंश्योरेंस कंपनी इन क्लॉज 7A ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938 सो एज टू रेज द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन एन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 49% to 74% and to allow, ये important है, and to allow foreign ownership and control with the safeguards, यानि यहाँ के कंपनियों को जो भी पैसा मिलेगा, FDI आएगा, जो invest करेंगे उस पे आहिस्ता आहिस्ता foreign company का ओनरशिप देने का भी उन्होंने इसमें प्राविधान किया है और उसको कंट्रोल करने का भी प्राविधान दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो कंट्रोल अगर करेंगे और फॉरेनर्स अपना पैसा लगाने की कोशिश करके जो ये करेंगे, तो ये एक जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर इन्वेस्ट करके पूरे देश को उन्होंने अपना हुकूमत चलाया और 1.5 साल कम से कम 150 साल उन्होंने हुकूमत की, वैसा ही वेस्ट इंडिया कंपनीज के लोग भी थोड़े हैं इधर, वो गुजरात के, वो भी प्राइवेटाइजेशन पे बहुत विश्वास रखने वाले हैं, उनको मदद करने के लिए मोदी साहब हमेशा ऐसे कानून लाते हैं। और ये जो है इंश्योरेंस एक ही उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से जो डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सिर्फ एक सेक्टर में नहीं, वो रेल में आ रहा है, रोड में आ रहा है, उसके बाद होटल्स में आ रहा है, बैंक्स में आ रहा है, हर चीज़ में आ रहा है। और हर चीज़ में जो रिजर्वेशन मिलता था उस रिजर्वेशन को भी ख़त्म करने की एक चाल है, ख़ास करके OBC को, SC ST को जो अश्योर्ड जॉब्स मिलते हैं, उन जॉब को ख़त्म करने का एक तरीका है। इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने एक लिस्ट में उन्होंने बताया कि कितने प्राइवेट कंपनीज हैं, कितने पब्लिक सेक्टर्स हैं, और उन्होंने ये बताया कि कितने नौकरियां प्राइवेट सेक्टर्स में हैं और कितने नौकरियां पब्लिक सेक्टर में हैं। और मेरे पास उसके आंकड़े भी हैं जो उन्होंने कहा और लोगों को गुमराह किया,
कि पब्लिक सेक्टर में 1,75,000 और प्राइवेट सेक्टर में 2,67,000 और टोटल नंबर ऑफ जो एजेंट्स रहते हैं वो पब्लिक सेक्टर में 15,45,000 और प्राइवेट सेक्टर में 21,00,000। और कंपनियां कितनी है? पब्लिक सेक्टर में सिर्फ 6 कंपनी है, 1,65,000 वहां पर जॉब मिलते हैं, और प्राइवेट में 50 है वहां पर सिर्फ 2,67,000 मिलते हैं। मेरा कहने का उद्देश्य है कि उन्होंने सिर्फ आंकड़े बताए, लेकिन इसमें जो 60-70% पॉपुलेशन के लिए जो संविधान ने प्राविधान करके उनकी जॉब की अश्योरेंस की थी उसका कोई इसमें जिक्र नहीं है। और वो ये करना डिवाइड करना चाहती है कि लोगों को गुमराह करके एक बात बताना चाहती। एक चीज लास्ट में मैं बोलना चाहता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यही उद्देश्य से सारे जो फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज यहाँ थे और इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज थे उनका उन्होंने नेशनलाइज 1956 में किया। क्या उद्देश्य था? सामाजिक न्याय देने के लिए और सभी गरीबों को इसका फायदा होना, इसीलिए उन्होंने किया। जैसा कि इंदिरा गांधी जी ने में बैंक नेशनलाइजेशन किया, वैसा उन्होंने करके इस देश के इकोनॉमी को और गरीबों के एक जीवन को सुधारने का काम किया। तो ये घुमराह जो किए, हम ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि उनके उनका मकसद क्या है, बिल में क्या है, और वो पूरा कंट्रोल फॉरेन कंपनीज को देना चाहते हैं, फॉरेन डायरेक्टर्स को देना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग कल एजिटेशन हाउस में तो एजिटेशन हुआ, एक बार दो बार तीन बार अर्जन हुआ, फिर हम बातचीत भी उनसे किए, लेकिन बातचीत में भी कोई हल नहीं निकला, इसीलिए हम वहाँ पर वो कदम उठाना पड़ा। लेकिन अडियाली सरकार हमारी बात को नहीं मानी, तो फिर वो चर्चा शुरू हो गई, और चर्चा के बाद हम कोई क्लैरिफिकेशन पूछना चाहते थे उसको भी उन्होंने मना कर दिया, इसलिए हमने वॉकआउट करके बाहर आना पड़ा। तो ये मेरा आपको बताना था, क्लैरिफिकेशन करना था, इसीलिए आपको धन्यवाद देता हूँ।